सूर्य ग्रहण को लेकर अमेरिका में भयंकर डर। सूर्य ग्रहण के दिन 7 मिनट तक क्या होगा? अमेरिका में स्कूल कॉलेज बंद। अगर ये कहा जाए कि 7 मिनट तक दिन में ही अंधेरा छा जाएगा, 7 मिनट तक इंटरनेट फोन वगैरह सभी बंद हो जाएंगे, यानी 7 मिनट का एक ऐसा वक्त आने वाला है मानो सब कुछ थम जाएगा, तो क्या आप इसे सही मानेंगे? सोचने वाली बात तो है ही, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जरा सोचिए लोगों पर क्या बीतेगी। लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई गई है कि 2024 के पहले सूर्य ग्रहण के दिन ऐसा ही कुछ हो सकता है जिससे लोगों में बेहद टेंशन का माहौल होगा। ये सारी बातें दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली कंट्री को लेकर कही जा रही है, वो देश है अमेरिका। अमेरिका ने इसके लिए अभी से ही सावधानियां बरतनी भी शुरू कर दी है। काफी पहले से ही अमेरिका में 8 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर कई ऐलान कर दिए गए हैं, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि 8 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण के प्रभाव से दुनिया के कई देश प्रभावित तो होंगे, लेकिन विज्ञान के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बताया जा रहा है कि अमेरिका में दिन में ही 7 मिनट तक अंधेरा छा जाएगा, इंटरनेट मोबाइल के टावर बंद हो जाएंगे, समुद्रों में जलजला आ सकता है। इन सारी संभावनाओं को देखते हुए अमेरिका ने पहले से ही स्कूल कॉलेज बंद कर देने का ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 50 सालों बाद लगने वाला ये सूर्य ग्रहण बेहद दुर्लभ है, जिसका काफी बुरा प्रभाव अमेरिका पर पड़ सकता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ये सूर्य ग्रहण अमेरिका के कई राज्यों को गहरे अंधेरे में डुबा सकता है, जिसका असर अमेरिका के लाखों लोगों पर पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका ने इन संभावनाओं को देखते हुए सभी सुरक्षित कदम उठा लिए हैं। स्कूल कॉलेज तो बंद कर ही दिए गए हैं, 8 अप्रैल को ट्रैफिक की भीड़ को भी कम करने के उपाय कर दिए गए हैं। यहाँ ये भी जान लेते हैं कि अमेरिका के कौन कौन से शहर इस सूर्य ग्रहण से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इनके नाम हैं टेक्सास, ओक्लाहोमा, अरकानसस, मिसौरी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, इंडियाना, ओहियो, न्यू हैम्पशायर, इलिनोइस वगैरह। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में तो बाकायदा शहरों के नाम के साथ स्कूलों के नाम देकर उसे बंद रखने का ऐलान किया गया है। ये फहरिस्त बेहद लंबी है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं लगने वाला, ऐसे में भारत में इस सूर्य ग्रहण का असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अमेरिका को लेकर सवाल ये है कि आखिर वहाँ अंधेरा क्यों छा जाएगा। दरअसल सूर्य ग्रहण इंडिया के समय के हिसाब से रात को लगने वाला है, लेकिन उस वक्त अमेरिका में दिन होता है। वहीं खगोल विज्ञान के मुताबिक सूर्य ग्रहण के वक्त जब धरती, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो उस वक्त पृथ्वी के किसी एक हिस्से में पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। चूंकि इस बार इसका प्रभाव 7 मिनट तक रहना बताया गया है, ऐसे में अमेरिका में 7 मिनट तक दिन में ही अंधेरा छा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।